Hey guys, welcome or welcome back to the channel React Action. How are you all? I hope you all are doing great. The song ka naam hai AFSAANA E DEHSAT and AFSAANA E DEHSAT bolte hain isko jo bhi hai. Aur ye Sunny Khan Durrani ne AFSAANA E DEHSAT reply kiya hai. I guess pata nahi inka reply hona hai aur jo ki humne suna tha पहला यूनिस का सॉन्ग बहन के चैन के लिए डिस था बट इनका सॉन्ग आ गया कहीं से तो हमें नहीं पता कि क्या है. हम बिल्कुल ब्लैंक हैं इनको लेके और इस आर्टिस्ट को कभी नहीं सुना है जिंदगी में. पहली बार सुनने वाले हैं. देखते हैं कि हिंदी में करेंगे, उर्दू में करेंगे या फिर पंजाबी में करेंगे. देखने वाली बात है. इंग्लिश भी हो सकती है. Here we go. ओके अफसाना ए दहशत. फौज टकराई लहर ब लहर जैसे दरिया की मौज है. चाहे मेरी लाश को तैरता व देखना और हाथ पाँव मारू जैसे तैरने का शौक है. हर एक फिरौन सोचे दरिया को ये पार कर ले और फिर रह जाए बस इब्रत का निशान बनके. अपनी जगह गवा दे जिंदगी से हाथ धोले कर राइन की बात सोचे बैठा मैं इंजील खोले. खौफ ज्यादा लगे जैसे जैसे मैं कदम लू ये मांगे जो हक इनके हाथ में कफन दू मैं फन से दफन करूँ हर कितने फनकार फन इनका लुत्फ शुगल बेकार. इंटरनेट के वार महसूस नहीं होते मुझसे उस दिन करना बात जब तू अपना कोई खास खो दे. छोटे ये बच्चे ने बात करना सिखा दिया उस दिन के ये नाचे जब से कलम है थमा दिया. जब गलियों में भागे चै चै ये शोर करे झंडे लगा दो तो झट से ये रो पड़े. कलम तेरा कम तर जमीर तेरा चीखे तभी लेता सहारे. हिप हॉप पी के रास्ते तेरे वाकिफ बस मैं चुपू हिसाब भी होगा पूरा इस बार मिल तू फेम के लिए तूने अपने ही दोस्त जैसे दोस्त तेरे सोचे तू महान. वसवसे एक यहाँ बैठा हुआ चर्च के नशे में सोचे के वो टॉप पे लगता वो सदमे में ढूंढता है बच्चे निशाना बनाने को. सीट डेस करे कहे नहीं तू बॉडी ब्लो एक इधर छुप के पीठ पीछे वार करे दूसरा खो दे खड्डे मुंह पे आके मेरा भाई बने. रखो तुम सारे अपना भाईचारा जेब में किया थैला में नेम ड्रॉप उस लंडे के ड्रेक ने. फिर जब पूछा मैंने ये क्या सीन है तो भाई साहब बोले इट वाज अनदर सनी मैन. फिर खुद ही बताई वो तेरी ही तो बात थी पुफिया है रैप किंग की एक जुबान. कन्फ्रंटेशन टू द कोर आई विल स्टैंड एट योर डोरस्टेप उल्टी बात बोल पूरा जिस्म तेरा तोड़ दे. 6 फुट का गड्ढा खोदू फीकू तुझे अंदर तेरी माँ के कदमों में गाड़ू दे दू तुझे जन्नत. सबर जेरे लब बोर कहे जिगर फाड़ दे मैं कहूँ यार बच्चे हैं सबर. कबर जेरे लब बोर कहे भाई गाड़ दे मैं कहूँ यार बच्चे हैं कबर. बैठा हुआ यहाँ छत पे मैं लेके निशान ले और सोचते हैं दिल से ये उठेंगे जनाजे पर क्या करूँ. भाई सफर मेरा खत्म है क्या करूँ नहीं खत्म होते भरम है. खड़े हो जो चौक पे पढ़ रहा हूँ मौत पे बख्श दे तब पर मुझे पसंद लोग डूबे हुए खौफ में. अफसाना है दहशत लिखा जब से सच मुझे इज्जत देते गैर सब. कबर है कल की सबर किनारे पे दोगले हैं चुप सारे खड़े हैं निशाने पे. इनके मेरे बीच में खड़े हैं मेरे अपने वरना खुदा की कसम ये तो जिंदा नहीं बचले. लाशों के ढेर अगले चौक में जमा हो लोगों को भी वहम सोचे ईद उल अजहा हो. बाप के साथ दफनाया अंदर का शैतान भी नफल पर शुक्राने के सरी वो है वान नहीं. वरना तो एक हजार पत्थर से रोंदा था आज भी मालूम नहीं वो जिंदा या मुर्दा था. चोर से खेतों में तरहा वहाँ पे दुनिया के हर गोली की यही सजा है. बच्चों की फौज एक दिन बड़ी हो जानी कलम का क्या करेगा वो तो अलावानी. मरने के बाद दुनिया ने रोक रोक के देखे मिसाले मेरी याद दिलानी. याद है वो सनी इंसानी खाल में जो भेड़िया तूफा इशारों से करता था बर्फा. वो जिससे खौफ ज्यादा बैठे थे सारे जिसने रैप पे तक कयामत झंडे गाड़े. रैपर सब गलीस धू के ये चाटते हैं इन्हें मैं क्या बोलूं ये तो अपने पत्ते काटते हैं. खुद देते गालियां फिर खुद ही को लैप करते इतने ये मीस ने अपने लफ्जों पे ये बैक. यहाँ सबसे ऊपर कौन कॉम्पिटिशन बनता नहीं हिप हॉप ये तुम गली बॉय फैंस का गोली डंडा नहीं. ये छाप वो छाप बैस्टर्ड का भेस छोड़ो छाप के कमाए फैंस इन हिप हॉप का इमेज बोलो. रैपर्स कब तक मारे बार दूसरों से अच्छे
बोहिमिया भी पापा बिहानी के ये बच्चे बनते ये शेर है नशे में ये चूर आज है केडीएम से कॉल भागे पीछे खला छोड़ के बिकाऊ है ये सारे जैसे सस्ता बाजार ये रैपर्स ये जाली कुछ जुमलों की मार है तुम जानते न चैन को तब से ना थे मेरा भाई था तुम सब सब बेहस ना ढूंढू रिश्तों में फायदा अदालत में मैं बैठा लड़ू सालों के मुकदमे और तुम करोगे बातें जो भी दो दिन पहले जमे I don't even have to keep my hands dirty got some people who can send me smiling selfie with your dead body अभी रोगी अभी खफा बैठा set my words पर के बोला खुले आम मैंने ये सब हराम खोल और से तेरे मसला नहीं खुश रह तू मौज कर पर तेरा mediocre गाना जीता सबको छोड़ कर वास्ता dear Zainab था लोग क्या कहेंगे भी जीता कौन ये बुहिमिया का wannabe वोट करने को इन्हें शुरू किया शो था और फिर ये कुत्ता के मुझ पे ही भोंग का एक कचरे में मार के मुँह चाटने में खुश थे इन कुत्तों को दी हड्डी ये भी मेरा ही कसूर था भूल गया था कि ये सब नमक हराम है भूल गया लगते इनके ईमा के दाम जो प्रोड्यूसर्स की गोदों में बिठा देते बहने बेटा वो आके फिर बातें नहीं लेते और जिससे मैं ये बोल रहा जानता वो कौन है कलम भी बोले इन कमजोरों को रोल दे ये तेरी कोशिश तुझसे बेहतर ना कोई बोल सके जिसे से कहते कि कोई मुंह भी ना खोल सके मदरसा लगाए रेप के इल्जाम ये हरामी में हलाल करके कर दूं फिर हजार टुकड़े गोली धमकी है बेटा छुप माँ की गोद में कोशिश करके देखे है बात तुझे खोल दे कुछ कमेडियन सोचे दे दे मेरी सुपारी क्योंकि दुनिया को उनकी सच्चाई दिखा दी कोई नहीं बच्चे तू थोड़ा सबर कर फेरते है तेरी भी खुल के बर्बादी तुम अभी जवान हो मीम बनाओ खुश रहो दूर रहो इस गन से तभी हो समझदार क्या करना देख के फांसी पे लटके कलाकार हर रैपर बिना सोचे समझे यहाँ बोल रहा आम आदमी शॉपिंग कार्ट की फुटपाथ पे है सो रहा वाही को छोड़ तेरी चोरी के सबूत पड़े तू तेरा प्रोड्यूसर इंस्टा कमेंट्स तक महदूद रहे दोगला शुरू से और वो जो तेरे साथ खबरनामा सी एल्बम बना तो कर लेंगे बात भी से रैंडम बातें जोड़ के एक रैप बना रहे हो उसको आप रैप नहीं बोल सकते उसको आप डिस्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते ना अगर ये हम सही समझ रहे हैं अगर ये यंगस्टर्स के लिए डिस है तो ये सोच रहे आप किसके लिए डिस बना रहे हो पहले सोच रहे हो आप यंगस्टर्स के लिए डिस ये यंगस्टर्स के लिए कैसे हो सकता है इसने बीच में कुछ बोला था लिरिक्स में कि भाई किस भाई था फिर ऐसा किया तो यंगस्टर्स के लिए बोला इन्होंने पता नहीं यार फिर ये हनी सिंह और बोहिमिया कहाँ जा रहे पता नहीं वरना भी बोहिमिया कौन है से पता नहीं किसको बोल रहे हैं मैं यूट्यूब में गूगल पे देख रहा हाँ ये नाम लिख ले इसका अफसाना ए दहशत अगर ये सच में ये चैन के यंगस्टर्स के लिए डिस है तो भाई माफी दो मैं क्योंकि जो फर्स्ट सॉन्ग था लाइन यूनुस का था उसका अगर ये कंपेरिजन हम इससे करेंगे तो भाई साहब हम फिर आगे डिश नहीं देखेंगे मेरे को लगता है इस बीफ को नहीं देखने वाले क्योंकि अगर ये आ रहे चैन के की साइड से ऐसे ट्रैक्स आएंगे तो फिर क्या फायदा पहली बात तो देखो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं अगर आप डिस कर रहे हो किसी को आप यंगस्टर्स को डिस कर रहे हो देखो यंगस्टर्स वन ऑफ दी आप नाम छोड़ दो आप फर्स्ट ट्रैक को तो देखो इस डिश में फर्स्ट ट्रैक तो देखो आप उसका रिप्लाई कर रहे हो आप पहले देख तो लो कि क्या है हाँ, तो वही, तो वही। मेरे को लगता है इन्होंने ट्रैक नहीं सुना था फर्स्ट और ऐसे बिना कुछ जो भी देखो फिर भी एज अ आर्टिस्ट एज अ लिरिसिस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो ठीक है आप जो कि बीफ के बारे में बातें चल रही थी उसी के बारे में तो कुछ बातें नहीं हो रही है कुछ और ही बातें रैंडम बातें उठा के उनको घुसेड़ दिया है भाई ये क्या भाई आप ही खुद एक्सपेक्ट करते होंगे मेरे को लगता है कि आपने फर्स्ट सॉन्ग जैसे ही सुना आप सेकंड रिप्लाई उसको बहुत ही ज्यादा क्योंकि हमने जैसे ही उनका बीफ काफी बीफ हमने बीफ सीरीज पे रिएक्ट किया है और काफी एक से बढ़कर एक गाने सुने उनके रिप्लाई सुने हैं बट ये उस लेवल पे नहीं है अगर हम बात करें तो ऑनेस्टली हम बोले मेरे को तो फ्लो में भी बहुत ज्यादा एरर्स लगे बहुत ज्यादा मुझे ये लग रही है तो मतलब नॉर्मल रैप एज अ रैप सॉन्ग देखा जाए तो वैसे भी प्रॉपर नहीं था या तो मैं बोलता है ये कृष्णा को देख के इंस्पायर हुआ है माँ कसम से या तो कृष्णा को देख कृष्णा इंस्पायर्ड बाय सनी खान दुरानी ऑब्वियसली यार तू क्या सोच अगर सनी खान दुरानी के सारे गाने ऐसे तो आई गेस तो गाइस हम नहीं करने वाले उसके सॉन्ग भी आया इसके बाद की उन्होंने बीफ बंद तो खत्म तो नहीं होगी गाइस के बाद कहीं क्योंकि इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड मेरे को फील हो रहा है क्योंकि उन्होंने सही फर्स्ट सॉन्ग इतना अच्छा इतना ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रैक्ट था और सेकंड ये हमने सुना भाई साहब तो क्या ही बोले अब हमारे पास
लफ्ज नहीं है, अल्फाज नहीं है, मैं जितना भी उर्दू आता मैंने बोल दी, पर अब आई गेस अंजुम का ही गाना है इसके बाद, और उसमें ही देखने को मिलेगा। बट ये गाइस जो हमने अभी सुना सनी खान दुरानी, ये डिलीटेड रैप सॉन्ग है, डिलीट कर दिया इनको, इसको इन्होंने, और ये हमें एक प्लेलिस्ट में मिल गया था, तो हमने सोचा क्यों ना रिएक्ट, क्योंकि हमने इनको पहले सुना नहीं था ना, हमें लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट गाना होगा बीफ का, और हमें पता होता कि गाना ऐसा होने वाला, तो मैं तो नहीं देखता भाई, तभी इन्होंने डिलीट किया है। वो उसका लेवल बहुत ऊपर लगा मेरे को, जो बहन के गाना था यूनस का, तो वो तो मतलब कुछ अलग ही लेवल पे था, और ये कुछ अलग ही लेवल पे है, तो आप खुद ही डिसाइड करो कि हम क्या ही बोले। तो मैं बोलते कि इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं है देने के लिए, तो वीडियो को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, और हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।